ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। तो केस कंट्रोल स्टडी को कई दूसरा नाम होते हैं, दैट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, या फिर ट्रोहॉक स्टडी, या फिर बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, या फिर इफेक्ट टू कॉज स्टडी, आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी, या रिस्क फैक्टर स्टडी, डिजीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी। ये नाम इनके क्यों हैं यह भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी केस कंट्रोल स्टडी है, इस ये पीछे की तरफ जाती है, समय से पीछे की तरफ जाती है, दैट इज़ इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हम एक ये स्टडी कर रहे हैं। तो स्मोकिंग क्या हो गया, स्मोकिंग इज़ योर कॉज और लंग कैंसर इज़ योर इफ़ेक्ट। या फिर जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि इफ़ेक्ट जो है आपका क्या है, इफ़ेक्ट यानी कि आपका लंग कैंसर, और कॉज जिस वजह से लंग कैंसर हुआ, स्मोकिंग, या फिर एक्सपोजर आपका स्मोकिंग हो गया, आउटकम आपका क्या हो जाएगा, लंग कैंसर। डिजीज़ क्या हो गई, लंग कैंसर। रिस्क फैक्टर क्या हो गया, स्मोकिंग। तो इसीलिए केस कंट्रोल स्टडी का दूसरा नाम रिट्रोस्पेक्टिव, ट्रोहॉक, बैकवर्ड, या फिर कॉज इफेक्ट टू कॉज, आउटकम टू एक्सपोजर, डिजीज टू रिस्क फैक्टर। ये छह शब्द याद रखिएगा, इफेक्ट, आउटकम और डिजीज़, ये तीनों चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ के लिए, जबकि कॉज, एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर इन सभी को हम इस्तेमाल करते हैं जिन वजहों से वो बीमारी होती है उसके लिए, केस कंट्रोल स्टडी। तो वही मैंने कहा कि भाई स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, इस पे हमें एक स्टडी करनी है। तो हम कोहार्ट भी कर सकते थे, हम केस कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि केस कंट्रोल स्टडी के कुछ फीचर्स होते हैं, पहली चीज़ याद रखना कि भाई एक्सपोजर और आउटकम दोनों ही इस स्टडी की शुरुआत में हो चुके हैं। एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर है स्मोकिंग, और आउटकम क्या है, लंग कैंसर। तो जब हम इस स्टडी की शुरुआत करते हैं तभी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। ये हम समझेंगे कैसे, ये जो है स्टडी ये बैकवर्ड जाती है, समय इस डायरेक्शन में है लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी, हमारी जो डायरेक्शन ऑफ स्टडी है, समय के ऑपोजिट में है, इसीलिए इसको बैकवर्ड स्टडी भी कहते हैं। और इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ, यानी कि इफ़ेक्ट क्या है हमारा, डिजीज़ हो चुकी है, डिजीज़ से हम कॉज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसको इफ़ेक्ट टू कॉज स्टडी भी कहते हैं। और इसके एक पिक्यूलियर पॉइंट होता है कि भाई हमारे पास इसमें एक कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल होता है। ये थोड़ी सी हमने जानकारी ले ली कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम स्टडी क्या होती है ये समझते हैं। हमने एक स्टडी की शुरुआत की, उसके लिए हमने एक पॉपुलेशन को लिया कि हम इतने लोगों पर ये स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा कि हम 100 लोगों पे एक स्टडी करेंगे। अब केस कंट्रोल स्टडी है तो हमको केसेस भी चाहिए और कंट्रोल भी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ऑन्कोलॉजी के हॉस्पिटल गए और वहाँ से हमने केसेस ले लिए, दैट इज़ हमने लंग कैंसर के केसेस को ले लिया। और ऐसे ही हमने क्या किया कि हमने 50 लंग कैंसर के केसेस ले लिए। और हमने क्या किया, उन्हीं हॉस्पिटल से कोई दूसरी बीमारी के या उसी हॉस्पिटल से नॉर्मल वाले लोगों को ले लिया, या फिर ये जो केसेस थे इनके फैमिली मेम्बर्स को ले लिया, या फिर इन केसेस के रिलेटिव्स को ले लिया। तो हमने ना 50 कंट्रोल भी ले लिए। हमने शुरुआत की, हमने सोचा कि हम 100 लोगों पे एक स्टडी करेंगे, तो हमने केस कंट्रोल स्टडी थी तो हमको केसेस की ज़रूरत पड़ी, हमने हॉस्पिटल से 50 लंग कैंसर के केस ले लिए और 50 हमने कंट्रोल्स ले लिए। अब कंट्रोल्स जो होते हैं ना, हमको ये समझना है, कंट्रोल्स हर चीज़ में केसेस के जैसे ही होते हैं, बस उनमें डिजीज़ नहीं होती है। कंट्रोल की परिभाषा ही ये है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल के जैसे, केसेस के जैसे होते हैं कंट्रोल, बस कंट्रोल्स में डिजीज़ नहीं होती है, ये याद रखना है। तो हमने 100 लोगों पर एक स्टडी की, 100 लोगों में से हमने 50 केसेस लिए और 50 कंट्रोल लिए, यानी कि 50 हमने लंग कैंसर वाले लोग लिए, 50 हमने नॉर्मल लोग लिए जिनको लंग कैंसर नहीं था। फिर हम समय से पीछे जाते हैं। समय से पीछे हम कैसे जाएंगे, हम टाइम मशीन में बैठ के समय से पीछे नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इनसे हिस्ट्री लेंगे कि ये बताइए आप में से कितने लोग थे जो स्मोकिंग करते हैं, और कितने लोग थे जिन्होंने स्मोकिंग कभी नहीं की। तो इन 50 लोगों में से 40 लोगों ने ऐसा बोला कि हाँ हम स्मोकिंग करते थे,
और इनमें से 10 लोगों ने ऐसा बोला कि उन्होंने स्मोकिंग कभी नहीं की। तो 50 में से हमने हिस्ट्री ली उनसे, हिस्ट्री के बेसिस पे हमें पता चला कि 40 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे, 10 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। ऐसे जो कंट्रोल्स थे, कंट्रोल्स के लिए भी हम समय से पीछे गए, दैट इज़ हमने उनकी हिस्ट्री ली और हिस्ट्री लेके हमने उनसे पूछा कि भाई कितने स्मोकिंग। तो कंट्रोल्स में से सिर्फ 5 लोगों ने ऐसा बोला कि वो स्मोकिंग करते थे और 45 लोगों ने ऐसा बोला कि उन्होंने कभी भी स्मोकिंग नहीं की। बस यही होती है आपकी केस कंट्रोल स्टडी की, केस कंट्रोल स्टडी की कुछ पिक्यूलियर पॉइंट जो याद रखने हैं। पहली चीज़ कि इसमें ना, जब इस स्टडी की हमने शुरुआत की, ये हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में इस वक्त जब स्टडी की शुरुआत हुई तो आप देख सकते हो कि स्टडी की शुरुआत में ही डिजीज़ भी हो चुकी है और एक्सपोजर भी हो चुका है। वही यहाँ पे लिखा है एक्सपोजर और आउटकम, दैट इज़ आउटकम हमारा लंग कैंसर हमारे पास है। स्टडी की शुरुआत में लंग कैंसर भी हो चुका है और बहुत पहले उन्होंने स्मोकिंग की थी, यानी कि हमारे पास एक्सपोजर भी हो चुका है। वही यहाँ पे लिखा है एक्सपोजर और आउटकम दोनों ही हो चुके होते हैं स्टडी की शुरुआत में। उसके बाद लिखा हुआ है कि स्टडी बैकवर्ड्स की तरफ जाती है इफेक्ट से कॉज। इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट है लंग कैंसर, लंग कैंसर हमारा इफेक्ट हो गया, और कॉज क्या है? कॉज है स्मोकिंग। तो किस तरफ जा रही है? इफेक्ट यानी कि लंग कैंसर हो चुका था, अब हम पीछे की तरफ जाके देखें उनमें से कौन कौन से लोग स्मोकिंग करते थे। तो इफेक्ट से कॉज की तरफ ये स्टडी जा रही होती है, या इस इफेक्ट को आप क्या कहते हो? आउटकम भी कहते हो। आउटकम क्या है इसका? आउटकम हमारा लंग कैंसर है। तो आउटकम हो चुका था और आउटकम से हम एक्सपोजर की तरफ जा रहे थे। ये स्मोकिंग क्या है? एक्सपोजर है। तो यही जो पीछे लिखा हुआ है, ये देखो कि इस स्टडी को और क्या कहते हैं। इस स्टडी को कहते हैं इफेक्ट टू कॉज, यानी कि डिजीज से हमने शुरुआत की और रिस्क फैक्टर या कॉज की तरफ हम गए। आउटकम टू एक्सपोजर, आउटकम क्या था? लंग कैंसर से हम गए कि कौन कौन स्मोकिंग करता था उस तरफ, या फिर डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ गए। डिजीज क्या थी हमारी? लंग कैंसर था और हमने जांचा कि कौन कौन लोग स्मोकिंग करते थे। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? समय से हम पीछे जा रहे हैं, दैट इज बैकवर्ड लुकिंग स्टडी। या प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आगे जाना और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे जाना। तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ये ट्रोहॉक स्टडी क्या होती है, कोई बताएगा? ये होती है उल्टा ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे हम, कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है? समय से आगे जाते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? टी आर ओ एच ओ सी, दैट इज ट्रोहॉक स्टडी। तो ये है आपका केस कंट्रोल स्टडी का थोड़ा सा खाचा कि भाई केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है। मैं फिर से समझाता हूँ, केस कंट्रोल स्टडी होती है कि हमने एक पॉपुलेशन डिसाइड की, फिर उस पॉपुलेशन में से देखा कि कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ है और कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ नहीं है, कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ है, कितने लोग हैं जिनको डिजीज़ नहीं है। जिनको डिजीज़ है उनमें से हमने पूछा कितने लोग हैं जिनको एक्सपोजर हुआ था और कितने लोग हैं जिनको कभी एक्सपोजर नहीं हुआ। ऐसे ही जो कंट्रोल्स हैं या जिनको डिजीज़ नहीं है उनसे भी हमने पूछा कितने लोग हैं जिनको ज़िंदगी में कभी उस चीज़ का एक्सपोजर हुआ था या कितने लोग हैं जिनको एक्सपोजर कभी नहीं हुआ। ये हमारी केस कंट्रोल स्टडी है। अगर हम स्टडी का डायरेक्शन देखें, दैट इज़ स्टडी का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, जबकि नॉर्मल टाइम का डायरेक्शन इस तरफ है। ये हमारा प्रेजेंट है, ये आगे फ्यूचर है, और ये पीछे की तरफ यहाँ कहीं पास्ट है। तो हम समय से ऑपोजिट जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड, इफेक्ट टू कॉज, एक्सपोजर टू आउटकम, समझ गए। इसके पिक्यूलर चीज़ क्या है? इसमें हमको कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत होती है। कंट्रोल्स को कैसे डिफाइन करोगे? कि कंट्रोल हर मायने में केसेस के जैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें डिजीज नहीं होती है। कंट्रोल, आपसे कोई वाइवा में पूछे कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल हर मायने में केसेस के जैसा ही होता है, सिर्फ उसमें डिजीज नहीं होती है। सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं।
कि भाई स्टेप्स क्या हैं। अब केस कंट्रोल स्टडी आपको कंडक्ट करनी है तो उसकी स्टेप्स हैं, सबसे पहले होती है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। फिर आगे जाके हम उनकी मैचिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितनों को एक्सपोजर हुआ कि नहीं हुआ, और सबसे आखिरी स्टेप जो होती है एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन में क्या क्या आता है। अब आपको ना स्टडी की शुरुआत कर रहे हो तो आपको केसेस सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल सिलेक्ट करना है, जो हमने यहाँ देखा था कि हमने स्टडी की शुरुआत में ही हमने ये स्टडी की शुरुआत की, फिर हमने केसेस सिलेक्ट किए, फिर हमने कंट्रोल सिलेक्ट किए। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम स्टडी की शुरुआत में ही? सिलेक्शन ऑफ केसेस के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी सिलेक्शन ऑफ केसेस की दो पॉइंट है। पहले तो आपको केसेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि किन किन लोगों को आप केसेस कहोगे, और उसके बाद आप सोर्स देखोगे कि कहाँ से आप केस उठा सकते हो। तो अगर आपको डिफाइन करना है कि किसको केस करोगे तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आपने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भैया ये वाला टेस्ट लगाएंगे हम और इस टेस्ट में जो पॉजिटिव आएगा वो हमारा केस कहलाएगा, या फिर आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लोग फुल करेंगे बस वही लोग हमारे केसेस कहलाएंगे। सिंपल। अब आपने ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लें, या तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या दोनों आपने डिसाइड कर लिया कि इनके बेसिस पे हम केस कहेंगे। अब अगली स्टेप है कि उसी में आपको केसेस को सिलेक्ट करना है। तो सोर्स क्या क्या हो सकता है केसेस का, या तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ से डायरेक्ट आपने केसेस उठा लिए, या फिर आप एक जनरल पॉपुलेशन सिलेक्ट करो और वहाँ से आप देखो उस जनरल पॉपुलेशन में कौन कौन लोग हैं जो उस बीमारी से ग्रसित हैं जिस पे हमको स्टडी करनी है। तो या तो आप हॉस्पिटल ले लो और या तो आप जनरल पॉपुलेशन ले लो, यहाँ से आप केसेस उठा सकते हो। फिर आता है पहली स्टेप का दूसरा पॉइंट कि सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल करना है। अब ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है कि कंट्रोल को डिफाइन करो, तो कंट्रोल हर मायने में केसेस के जैसा होता है, सिर्फ एक चीज़ उसमें नहीं होती है, दैट इज़ डिजीज़। कंट्रोल हर मायने में केसेस के जैसा ही लेने की कोशिश करते हैं हम, सिर्फ एक चीज़ हमको कंट्रोल में नहीं चाहिए, दैट इज़ डिजीज़। ख़त्म बात। ठीक। अब कंट्रोल, अगला सवाल आता है कितने कंट्रोल आपको लेने हैं। तो ना अगर हमारी बहुत ही छोटी सा स्टडी ग्रुप है, तो हम अगर छोटा सा स्टडी ग्रुप है, अगर सैम्पल साइज़ हमारा छोटा सा है, तो हम क्या करेंगे कि एक केस के लिए चार कंट्रोल रखेंगे। अगर हमारी छोटी सी स्टडी है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं हैं, तो हम एक केस के लिए चार कंट्रोल लेंगे। मगर अगर बहुत बड़ी स्टडी है, हज़ारों लाखों लोग उस स्टडी में हैं, तो हमारे पास इतने कंट्रोल मिल ही नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, 1:1 का रेशियो रख लेते हैं, एक केस के लिए एक कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। मतलब आइडियल क्या है, अगर छोटी स्टडी है तो आपने अगर 100 लोगों पर यह स्टडी हो रही है, तो आप क्या करोगे कि भाई एक अगर केस लिया है तो उसके प्रति आप चार कंट्रोल्स लोगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी स्टडी है, अगर आप लाखों में स्टडी हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक केस के लिए एक कंट्रोल ले सकते हो। ये यहाँ कहने का मतलब है, और ये आपका अगला पॉइंट जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है, कितने केसेस और कितने कंट्रोल लेने चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई कितने केसेस कितने कंट्रोल आपको लेने हैं। थोड़ी छोटी स्टडी है अगर, तो एक केस के लिए चार कंट्रोल, बड़ी स्टडी है तो एक केस के लिए एक कंट्रोल। अब कहाँ से लेने हैं कंट्रोल, कहाँ से लेने हैं? तो वही जो आपने केस में किया था, या तो आप जाओ और उसी हॉस्पिटल से कंट्रोल ले लो जिस हॉस्पिटल से आपने केसेस को लिया था। मगर यहाँ पे ना सिलेक्शन बायस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बायस का मतलब होता है कि आप एक तरफ बेंड हो गए कि हम ये चीज़ अपने हिसाब से करेंगे, तो इसमें सिलेक्शन बायस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। हम आगे की क्लासेस में देखेंगे बायस क्या होता है, सिलेक्शन बायस होता है, इन्वेस्टिगेटर बायस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको कम करने के लिए ब्लाइंडिंग करते हैं। तो हमने ये देख लिया, या तो हम केसेस कंट्रोल्स को हॉस्पिटल से ही उठा सकते हैं, जिस हॉस्पिटल से हमने ये केस उठाया था उसी हॉस्पिटल से हम कंट्रोल को उठा लें, बस वो वाली बीमारी का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हो सकती है, या तो जो केस हमने उठाया था उसी के रिलेटिव को उठा लें, या जो केस उठाया था उसके पड़ोसी को उठा लें, या फिर जैसे हमने जनरल पॉपुलेशन से केस को उठाया था वैसे जनरल पॉपुलेशन से हम कंट्रोल्स को उठा लें, ये भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो कि आपको पीजी एंट्रेंस एग्जाम में सवाल भी आया है, कि ये जो रिलेटिव्स हम उठाते हैं ये कब नहीं उठाना है। अगर आप कोई जेनेटिक फैक्टर्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, तो आपको सिबलिंग्स को एज अ कंट्रोल नहीं लेना है,
क्योंकि वो अनसुटेबल होते हैं जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बट ऑब्वियसली उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन लगभग सिमिलर होगा, आपको यहाँ पे भी बायस मिल सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिबलिंग कंट्रोल्स को कौन सी स्टडीज़ में आपको नहीं लेना है, या रिलेटिव्स को आपको एज अ कंट्रोल कौन सी स्टडी में नहीं लेना है, तो जेनेटिक स्टडीज़ में नहीं लेना है। तो हमारी पहली स्टेप हो गई केस कंट्रोल स्टडी की, कि सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ केसेस, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। सिलेक्शन ऑफ केसेस में सबसे पहली चीज़ डिफाइन कर दो, डिफाइन के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सोर्स ऑफ केसेस के लिए या तो हॉस्पिटल से उठा लो या तो जनरल पॉपुलेशन से उठा लो। कंट्रोल है तो कंट्रोल्स हर मायने में केसेस के जैसा होता है, एक्सेप्ट डिजीज नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी स्टडी है तो 4:1 का रेशो, अगर बड़ी स्टडी है तो 1:1 का रेशो। सोर्सेज क्या क्या होंगे कंट्रोल के, उसी हॉस्पिटल से या केसेस के रिलेटिव को या केसेस के पड़ोसी को या उसी जनरल पॉपुलेशन से जैसे जनरल पॉपुलेशन से केस को उठाएगा। अब जब हमने ये कर लिया, सिलेक्शन कर लिया केसेस और कंट्रोल का, फिर हम करते हैं मैचिंग। मैचिंग हम क्यों करते हैं, जिससे कि जो केस और कंट्रोल ग्रुप हैं दोनों कंपेरेबल हो सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए या तो आप ग्रुप मैचिंग कर सकते हो। ग्रुप मैचिंग क्या होती है कि आपने ग्रुप्स बांट लिए, आपने जो केसेस हैं एक ही एज ग्रुप के, जिस एज ग्रुप के आपके पास केसेस हैं उसी एज ग्रुप के आपने कंट्रोल ले लिए, या फिर आपने ऑक्यूपेशन वाइज मैचिंग कर दी कि एक ही ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपने केसेस ले लिए और उसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपने कंट्रोल्स ले लिए, तो इनका एक ग्रुप बना के इनको मैच कर लिया सिवाय बीमारी के, और बाकी सारी चीज़ें लगभग इसलिए इसमें सेम होती हैं। या फिर सोशल क्लास आपने देख ली कि भैया सोशल क्लास के हिसाब से लो सोशल क्लास वाले आपने केसेस ले लिए, तो ऐसे ही आपने लो सोशल क्लास वाले कंट्रोल्स ले लिए। तो ये ग्रुप मैचिंग हो गई कि आपने ग्रुप के बेसिस पे ले लिए कि हमारे पास 10 केसेस ऐसे हैं जो 20 से 30 साल की उम्र के हैं, तो हमने अगर बहुत बड़ी स्टडी है तो 10 कंट्रोल्स ऐसे ही ले लिए जो 20 से 30 साल वाले थे। या ऑक्यूपेशन की बात करें तो हमने हमारे पास 40 डॉक्टर्स थे जो कि हमारे केसेस थे, तो हमने 40 कंट्रोल ले लिए जो कि डॉक्टर्स थे, ग्रुप्स हैं ये। हमारे पास 100 लो सोशो इकोनॉमिक के क्लास के केसेस थे, तो हमने 100 लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के कंट्रोल ले लिए। तो क्या कर रहे हो आप, ग्रुप में मैचिंग कर रहे हो, अलग अलग ग्रुप के वाइज आप मैचिंग करते जा रहे हो, ये तो ग्रुप मैचिंग हो गई। या तो आप मैचिंग इन पेयर्स कर सकते हो कि आपने एक लिया यहाँ पे केस कंट्रोल, एक पेयर केस कंट्रोल, केस कंट्रोल, केस कंट्रोल, आपने पेयरिंग कर दी, तो आप पेयर्स में भी मैचिंग कर सकते हो एक 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 एक, थोड़ी सी मुश्किल होती है पर ये भी आप कर सकते हो। तो या तो आपने ग्रुप्स में कर लिया मैचिंग को, या तो आपने पेयर में। अब मैचिंग में करते क्या हो, आप ये देखते हो कि कंपेरेबल हैं कि नहीं है दोनों चीज़ें, तो अगर ये सारी चीज़ें कंपेरेबल हों तो फिर आप आगे किस स्टेप में जाते हो। तो सेकंड स्टेप आपने मैचिंग कर ली, कंपेटिबिलिटी देख ली दोनों की, फिर तीसरी चीज़ होती है आप एक्सपोजर देखते हो कि भाई कितनों को कितना एक्सपोजर हुआ। एक्सपोजर क्या था, फॉर एग्जांपल हम क्या स्टडी कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है कि नहीं। तो आपने मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर क्या किया, आप यही पूछोगे ना कि भैया स्मोकिंग करते हो कि नहीं, कब से कर रहे हो, कितनी पीते हो सिगरेट। तो उसके लिए या तो आप ये हिस्ट्री लेते हो, हमने देखा था ना कि हम समय के पीछे जा रहे हैं और उनसे हिस्ट्री ले रहे हैं कि कब से आपको एक्सपोजर होना शुरू हुआ था। तो या तो आप इंटरव्यू ले सकते हो उनका, या तो आप एक क्वेश्चनेयर भरवा सकते हो उनसे, या तो आप उनके पास रिकॉर्ड्स को खंगाल सकते हो और उसके बेसिस पे उनसे देख सकते हो कि उनको एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था। तो रिकॉर्ड्स में आप उनके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो, या आप उनके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो, और सारी अलग अलग चीज़ें आप निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द आपने एक्सपोजर क्या सिलेक्ट किया है। अगर आपने एक्सपोजर स्मोकिंग सिलेक्ट किया है तो आप डायरेक्ट कहीं लिखा थोड़ी होगा कि भाई ने, उसकी कोई डायरी थोड़ी मेंटेन की हो, मैंने 5वीं कक्षा से सिगरेट पीना शुरू किया, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर, अगर हम स्मोकिंग ले रहे हैं तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे या क्वेश्चनेयर भरवाएंगे, तो उसमें अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इवेंट्स से हम एक्सपोजर ले रहे हैं तब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स या एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। तो आपने मेजर कर लिया कि एक्सपोजर कितना हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द आंसर्स के इंटरव्यू या क्वेश्चनेयर के बेसिस पे हम देख लेंगे किसको कितना एक्सपोजर हुआ है। आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने मैचिंग कर ली, आपने एक्सपोजर देख लिया, फिर अगली चीज़ आती है एनालिसिस करना। एनालिसिस ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस एनालिसिस में पहले तो 2x2 टेबल के नीचे आ जाओ कि आपने एक्सपोजर रेट निकाल लेते हो और एस्टिमेशन ऑफ रिस्क निकालते हो, पर इन दोनों के पहले ना आपको 2x2 टेबल बनानी पड़ती है एपिडेमियोलॉजी में। चाहे केस कंट्रोल स्टडी हो, चाहे कोहॉर्ट स्टडी हो, आपको ये 2x2 टेबल आपको बनानी पड़ती है।
टू बाई टू टेबल क्यों? क्योंकि इसमें मुख्यतः दो कॉलम होते हैं, इसको कहते हैं आप, ये होती हैं आपकी रोज़ और ये होते हैं आपके कॉलम, ये है आपकी रोज़। तो अगर आप देखो तो इसमें कितनी रो और कितने कॉलम हैं, कॉलम मतलब ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं ना, घर के कॉलम ऊपर से नीचे तक खड़े रहते हैं जो, ये है आपका एक कॉलम और ये है आपका दूसरा कॉलम। ये टोटल का कॉलम तो हमको दिए ही नहीं रहते, टोटल का कॉलम ऐसे काउंट नहीं होता है, तो इस टोटल के कॉलम को नहीं करना। ये होती हैं रोज़, लेफ़्ट से राइट जो जाती है ना, ये होती हैं आपकी रोज़, लेफ़्ट से राइट जो जा रही है। तो कितनी रो हैं? एक और दो, ये टोटल वाला तो काउंट करने नहीं है। तो एक और दो रो हैं, एक और दो कॉलम हैं, तो 2 बाई 2 टेबल। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे। तो अब हम बनाते हैं 2 बाई 2 टेबल अपनी। तो हमने देखा कि हमने अपनी स्टडी की, हमने स्टडी के बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास कितने थे। हमने डिसाइड किया भाई टोटल पार्टिसिपेंट जितने थे उसमें से, हमने ये देखा था, हमने जो स्टडी की थी उसी को कर लें, कि हमने देखा कि हमारे पास जो 100 स्टडी पार्टिसिपेंट थे उसमें से 60 ऐसे थे, नहीं 50 कर लेते हैं, 50 ऐसे थे जिनको बीमारी थी और 50 ऐसे थे जिनको बीमारी नहीं थी। डिजीज़ प्रेजेंट हैं तो ये क्या हो जाएंगे हमारे केसेस, डिजीज़ एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कंट्रोल। 50 ऐसे थे जिनको बीमारी थी, 50 ऐसे थे जिनको बीमारी नहीं थी। अब ये 50 जो ऐसे थे जिनको बीमारी थी उसमें हम देखेंगे कौन स्मोकिंग करता था कौन स्मोकिंग नहीं करता था। तो जो 50 ऐसे थे उनमें से 40 ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे, और इन 50 में से सिर्फ 10 ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। ऐसे ही ये जो 50 जो कंट्रोल ग्रुप था जिनमें बीमारी नहीं थी, इन 50 में से करीब 45 ऐसे थे जो, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, और ये सिर्फ 5 ऐसे थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग की होगी। तो ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल्स में भी दिया जाता है। तो ऐसे 2 बाई 2 टेबल बनाते हैं जो हमने वहाँ पे बनाया था। कैसे बनाया था? हमने एक पॉपुलेशन ली थी, फिर पॉपुलेशन में हमने देखा था कि केसेस कौन हैं और कंट्रोल कौन है। केसेस में हमने क्या देखा है? 50 हमारे पास केसेस हैं, 50 कंट्रोल हैं। इन 50 केसेस में से 40 ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे और 10 ऐसे थे जिन्होंने स्मोकिंग कभी नहीं की। ये 50 जो कंट्रोल थे यानी कि जिन, ये जो थे इनको डिजीज़ थी और इनको डिजीज़ नहीं थी। ये जो 50 जिनको कभी डिजीज, जिनको लंग कैंसर नहीं था, इनमें से हमने देखा कि 45 ऐसे थे जिन्होंने स्मोकिंग कभी नहीं की और सिर्फ 5 ऐसे थे जिन्होंने स्मोकिंग की। यही तो आपकी केस कंट्रोल स्टडी है। ये आपने पॉपुलेशन डिसाइड कर ली, ये आपने केसेस ले लिए, ये आपने कंट्रोल्स ले लिए, आप समय से पीछे गए, आपने हिस्ट्री ली कि कितने स्मोकिंग करते हैं कितने स्मोकिंग नहीं करते, यहाँ भी कितने स्मोकिंग करते हैं कितने स्मोकिंग नहीं करते हैं, और उसकी आपने 2 बाई 2 टेबल बना ली। टोटल हमने कितने केसेस लिए थे? 100। तो आपने यहाँ पे 100 केसेस रख दिए। 100 में से आपने क्या कहा था कि 50 सिगरेट, 50 लंग कैंसर है, 50 को लंग कैंसर नहीं है। फिर आपने क्या कहा था? ये जो 50 लंग कैंसर है उनमें से 40 ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे और 10 ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। जो 50 जिनको लंग कैंसर नहीं है उनमें से 45 ऐसे थे जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की और सिर्फ 5 ऐसे थे जिन्होंने स्मोकिंग की। तो जो आपको 2 बाई 2 टेबल बनानी है वो आपको इसी डेटे से बनानी होती है, इसी डेटा से आप 2 बाई 2 टेबल को बनाते हो। समझ गए 2 बाई 2 टेबल कैसे बनानी है? तो ऐसे बनाते हो 2 बाई 2 टेबल, फिर उसमें आप ये रखते हो कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए क्या होगा? जिसको बीमारी भी है और जिसने, जिसको बीमारी है और जिसने कभी एक्सपोजर हुआ होगा। बी सी डी, तो वही है। केसेस में आप कैसे निकालोगे? ए अपॉन ए प्लस बी, कंट्रोल्स में बी अपॉन बी प्लस डी। तो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, उसके बाद इसी के एनालिसिस का अगला स्टेप होता है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। तो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क कैसे करते हो? याद रखना कि ये केस कंट्रोल स्टडी है, तो इसमें आपको इंसिडेंस नहीं मिलेगा, और इंसिडेंस नहीं मिलेगा तो रिलेटिव रिस्क नहीं मिलेगी, क्योंकि रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला ही होता है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाई इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। तो ये तो हमको मिल ही नहीं सकता क्योंकि इंसिडेंस तो होता ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? न्यू केसेस। हम तो समय से पीछे जा रहे हैं ना, तो हमको नए केसेस थोड़ी मिलेंगे,
यहाँ तो हमको ओल्ड केसेस से ही हम खेल रहे हैं, तो क्योंकि इंसिडेंस ही नहीं है हमारे पास तो हम रिलेटिव रिस्क निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए हम सिर्फ एस्टिमेट निकालते हैं इतनी रिलेटिव रिस्क होगी, ख़त्म। और इसीलिए एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क को कहते हैं ऑड्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। और क्योंकि ये रिलेटिव रिस्क नहीं है, ये सिर्फ एस्टिमेट है रिलेटिव रिस्क का, इसीलिए ये रिलेटिव रिस्क के जितना एक्यूरेट नहीं होता उससे कम एक्यूरेट होता है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखो ऑड्स रेशो का फॉर्मूला है ए डी अपॉन बी सी। ए डी क्या है, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, तो ये आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशो, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशो कहते हैं। ऑड्स रेशो का फॉर्मूला ए डी अपॉन बी सी, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो ये जो भी आपका आंसर आता है उसको आप करते हो इंटरप्रेट। इंटरप्रेट कैसे करोगे, इंटरप्रेट करोगे जो भी आपका आंसर आया उसको आप कहोगे कि जो एक्सपोज्ड थे उनमें, फॉर एग्जांपल आपका तीन आया तो उनमें तीन गुना चांसेस ज़्यादा थे डिजीज़ को डेवलप होने में एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। वही लिखा है कि एक्सपोज्ड शोड रिस्क ऑफ हैविंग द डिजीज़ तीन गुना ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉन एक्सपोज। जितना भी आपका आता है उतना आप लिख दोगे, इंटरप्रिटेशन आप ऐसे लिखते हो, जो भी आपका आंसर आया उसको लिख दोगे कि एक्सपोज में इतने टाइम्स या इतने गुना ज़्यादा चांसेस थे नॉन एक्सपोज के मुकाबले बीमारी के होने के। सिंपल, ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है जब आप आंसर निकाल लेते हो न्यूमेरिकल्स में तब। तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये क्या बताता है आपको, रिस्क बताता है कि कितनी रिस्क है प्रीडिस्पोज पॉपुलेशन में या ससेप्टेबल जो है उनमें बीमारी के होने की। अब याद रखना कि ये सिर्फ एस्टिमेट है रिलेटिव रिस्क का, ना कि कैलकुलेशन है रिलेटिव रिस्क का। रिलेटिव रिस्क हम कोहार्ट स्टडी में निकालते हैं, इसलिए इसमें रिलेटिव रिस्क नहीं निकालते हैं, ये सिर्फ सिमिलर है रिलेटिव रिस्क के, क्योंकि ये एस्टिमेट निकालता है, ये रिलेटिव रिस्क नहीं है, याद रखना। तो ऑड्स रेशो आपको अलग ही याद रखना है। उसके बाद आप बोल दोगे कि भाई ऑड्स रेशो, अब ये जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। अगर ये जो वैल्यू है आपकी एक से ज़्यादा आती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही है कि जो एक्सपोज थे उसमें उतने गुना ज़्यादा चांसेस थे कि उन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिनको लंग कैंसर था, जो स्मोकर्स थे उसमें तीन गुना ज़्यादा चांसेस थे कि उन्होंने सिगरेट पी हो। सो मैनी टाइम्स ऑफ ऑड्स दैट द केसेज वर एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जो लंग कैंसर वाले थे उसमें तीन गुना ज़्यादा चांसेज हैं कि उन्होंने सिगरेट पीते रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू जो नॉन एक्सपोज थे उनके। तो यही आपका पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब क्या है, कि एक्सपोज में ज़्यादा मिलेगा आपको बीमारी एज़ कम्पेयर टू नॉन एक्सपोज। जैसे कि ओसीपी जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन हमको ओसीपी और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में मिलता है, कि ज़्यादा ओसीपी ली तो ज़्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मिला, या ज़्यादा स्मोकिंग की तो ज़्यादा लंग कैंसर हुआ। वही है कि इतने गुना चांसेस हैं कि केसेस जो हैं वो सिगरेट पीते थे एज़ कम्पेयर टू जो कंट्रोल्स हैं कि वो सिगरेट नहीं पीते थे। तो हमको ऑड्स रेशो पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा नेगेटिव एसोसिएशन, मतलब कि वो एक्सपोजर से ना बचाव होगा उस बीमारी का। जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज और कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे उतना कम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होगा। तो नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर उस चीज़ का होगा उतनी कम आउटकम उस चीज़ का मिलेगा, नेगेटिव एसोसिएशन का सिंपल सी भाषा में। और अगर ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो का बहुत सिंपल सा मतलब है कि दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कि एक्सपोज कितना भी होता जाए आउटकम पे उतना असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि कितनी भी स्मोकिंग कर लो एचआईवी एड्स पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्मोकिंग करते थे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा एचआईवी एड्स हो जाएगा या एचआईवी एड्स कम हो जाएगा, दोनों में कोई एसोसिएशन ही नहीं है, नो एसोसिएशन। तो उसके एग्जाम्पल में स्मोकर्स और अगर आप एचआईवी एड्स के बारे में निकालोगे तो दोनों में कोई रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये था आपका ऑड्स रेशो का इंटरप्रिटेशन। तो आप बस तीन चीज़ें याद रखो, अगर जब आपका आंसर याद आता है तो ये वाली लाइन लिख दो। पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब होता है जितना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आउटकम बढ़ेगा, नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब होता है जितना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ेगा उतना कम आउटकम होगा, और नो एसोसिएशन का मतलब होता है एक्सपोजर और आउटकम में कोई रिलेशन नहीं है, ख़त्म बात।
उसका सबसे आखिरी चीज़ इसके बारे में कि भैया एडवांटेज क्या है, ये इनएक्सपेंसिव होती है और रैपिड, हमको जाके हिस्ट्री तो लेनी है, रिकॉर्ड्स ही तो खंगालने हैं, तो मतलब कि कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में ये हो जाता है। रेयर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि रेयर डिजीज़ पे अगर हम स्टडी करते हैं तो वो बीमारी हो चुकी है, हमारे पास उसके केसेस हैं, बस अब उनसे हिस्ट्री लेनी है हमको। कोहार्ट स्टडी जो होती है ना, उसमें रेयर डिजीज़ के लिए नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने आज स्टडी शुरू की, 50 साल बाद हमारी स्टडी ख़त्म हुई और पता चला ये, क्योंकि ये रेयर डिजीज़ है तो डिजीज़ ही नहीं हुई, हमारा 50 साल भी ख़राब हुआ, पैसा भी ख़राब हुआ और कुछ मिला भी नहीं। तो इसलिए रेयर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है केस कंट्रोल स्टडी करो। ये ना मल्टीपल एक्सपोजर भी आपको बता देता है कि मल्टीपल एक्सपोजर भी आप ले सकते हो, कि आप हिस्ट्री तो ले रहे हो, आपने स्मोकिंग के साथ साथ, आप बोले भाई ये सिगरेट पीते थे तो चलो आप गांजा भी मार लेते होगे, चलो भाई आप दारू भी पी लेते होगे, चलो भाई आप स्मोकी फूड भी खा लेते हो, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को आप बहुत सारे, क्योंकि आपको हिस्ट्री तो लेनी है, तो मल्टीपल एक्सपोजर्स भी आप इसके बारे में जान सकते हो। कोई एथिकल प्रॉब्लम नहीं होती है आप, क्योंकि आप जाके बकरी तो बिछा रहे हो, आप हिस्ट्री तो ले रहे हो, कोई उनको इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो, कोई निडल्स नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो लॉन्ग लेटेंट पीरियड वाले जो हैं उनके लिए भी अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? आपको ना अप्रोप्रिएट कंट्रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, कि हर चीज़ में केस के जैसा हो, बस डिजीज़ ना हो, ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल, और इसीलिए आप सिलेक्शन बायस हो जाते हो कि अरे यार ये सब कुछ उसी के जैसा दिख रहा है, ले लो, पता चलो उसको बीमारी हो या कुछ हो, तो सिलेक्शन बायस मिलने के चांसेस हैं। और इंसिडेंस तो आप ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस, और आप तो समय के पीछे जा रहे हो, तो ओल्ड केसेस से ही खेल रहे हो आप, तो आप न्यू केसेस, तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये था आपका केस कंट्रोल स्टडी। अगर मैं बात करूँ थ्योरी की बात, तो थ्योरी पे केस कंट्रोल स्टडी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वाइवा की बात करूँ तो वाइवा में आपसे बोल दिया जाता है भाई एक काम करो ये आप बना के दिखाओ हमको, तो आपको पता होना चाहिए। या इनफैक्ट वाइवा में आपसे ये भी बोल दिया जाता है कि भाई दूसरे नाम बताओ इसके केस कंट्रोल स्टडी के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपसे वाइवा में बोल दिया जाता है कि अगर छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है तो रेशो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको कंट्रोल्स को डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है वाइवा को, कंट्रोल्स को डिफाइन करो। उसके अलावा आप बता देते हो कि सर ऑड्स रेशो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो, तो आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशो क्यों बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि अगर एक से ज़्यादा है तब क्या होगा, एक से कम है तब क्या होगा, कोई एसोसिएशन नहीं है अगर एक है तब क्या होगा, ये भी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है। और आपसे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाइवा में, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेयर डिजीज़ के लिए कौन सी स्टडी करना चाहोगे, ये वाइवा में आपसे पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँ जो आपको प्रीपीजी एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, तो जितने भी अंडरलाइन पोर्शन है ये सारे आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं। जैसे आपको एक्सपोजर और आउटकम पहले से है, ये आपको एमसीक्यू आया हुआ है। इफेक्ट टू कॉज वाली स्टडी होती है, ये आपको एमसीक्यू आया हुआ है। जितने भी अंडरलाइन पोर्शन है आपके नोट्स में, सब एमसीक्यू आए हुए हैं। सिबलिंग्स में कौन सी नहीं करनी है, ये एमसीक्यू आया हुआ है। उसके बाद आपको एमसीक्यू ये आया हुआ है कि रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इंसिडेंस नहीं निकाल सकते। आपको एमसीक्यू ये भी आया हुआ है कि बेहतर कौन सा होता है, तो बट ऑब्वियसली रिलेटिव रिस्क होता है, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेट निकालता है रिलेटिव रिस्क का, असली में नहीं निकालता, ये भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है। और आपको इसके एडवांटेजेस पे भी अंडरलाइन पोर्शन में आए हुए हैं, रेयर डिजीज के लिए कौन सी, इनएक्सपेंसिव कौन सी, मल्टीपल एक्सपोजर के लिए कौन सी, ये भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है। सिलेक्शन बायस किस में मिलता है और इंसिडेंस किस में नहीं निकाल सकते। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको केस कंट्रोल स्टडी में पता ही होनी चाहिए।